नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्पीड स्टडी। स्पीड क्या होती है किसी भी रूट के अलॉन्ग द एक्चुअल स्पीड ऑफ व्हीकल ओवर अ रूट में फ्लक्चुएट ओवर अ सेवरल फैक्टर। मतलब कि जो भी एक्चुअल स्पीड किसी भी रूट के अलॉन्ग होती है वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है कि उन चीज़ों से ज्योमेट्रिक फीचर कैसी है, उसकी ज्योमेट्री है, ट्रैफिक कंडीशन क्या है, प्लेस कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है, ड्राइवर और जो ड्राइवर जो ऑपरेट कर रहा है व्हीकल उस पर डिपेंड करेंगे। इसमें दो स्पीड मेनली हमारी होती है, एक हमारी स्पॉट स्पीड, दूसरी एवरेज स्पीड। स्पॉट स्पीड क्या है, किसी भी पॉइंट या लोकेशन पर किसी व्हीकल की स्पीड। ठीक, कोई व्हीकल मान लो हमारा एक व्हीकल ये रूट है, यहाँ पे हमारी एक व्हीकल ये रूट पे जा रही है, तो किसी इस पॉइंट पे इस व्हीकल की कितनी स्पीड है, ये हमारी हुई स्पॉट स्पीड। एवरेज स्पीड क्या है, इट इज़ द एवरेज ऑफ ऑल दी स्पॉट स्पीड। इसका मतलब सिंपली हम समझ सकते हैं, मान लो हमारा एक रूट है तो ये गाड़ी यहाँ से यहाँ जाने में टोटल इसकी स्पीड का एवरेज। ठीक, किसी कहीं 10 कहीं खड़ी हो सकती है, कहीं पर 80 किलोमीटर पर आवर पर चल सकती, किसी समय 10 किलोमीटर पर आवर पर चल रही है, तो इन सब का एवरेज लेके हम करते हैं, उसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। ठीक, इसी तरीके से एक टर्म डिफाइंड है स्पेस मीन स्पीड। स्पेस मीन स्पीड क्या है, इट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ व्हीकल इन अ सर्टेन रोड लेंथ एट अ एनी टाइम। ठीक, किसी भी रोड लेंथ के अलॉन्ग जो एवरेज स्पीड है वो कितनी है, इसको कैसे निकालते हैं, वी एस इसको 3.60 n, वेयर वी एस स्पेस मीन स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, डी क्या है लेंथ ऑफ रोड इन मीटर। इसी कारण यहाँ पर 3.6 हो जा रहा है, 3.6 मतलब 36 डिवाइडेड बाई 1000 वाला, इसको हमने किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए किया गया है। ठीक, वेयर एन क्या है आपका नंबर ऑफ व्हीकल कितनी जा रही है, टी आई क्या है टाइम रिक्वायर्ड टू आई एथ व्हीकल इन कवरिंग डिस्टेंस डी। ठीक, कोई भी जो आई एथ व्हीकल है उसको कितना टाइम चाहिए, इसे सारे का हम लेके सम करके तो हम निकालते हैं उसको स्पेस मीन स्पीड। इसी तरीके से हमारा टाइम मीन स्पीड है, टाइम मीन स्पीड क्या है, इट रिप्रेजेंट एवरेज ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड एट एनी स्पॉट, कि जो भी हमारा किसी एक स्पॉट पे सारे गाड़ियों का कितनी स्पीड है। ठीक, इस स्पॉट पे उसको हम बताते हैं टाइम मीन स्पीड। ठीक, इसको कैसे निकालते हैं, वी टी आपका टाइम मीन स्पीड है, समेशन ऑफ वी आई आई इक्वल टू 1 से लेके एन तक, और वी आई का इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ आई एथ व्हीकल डिवाइड बाई एन, एन का नंबर ऑफ व्हीकल्स। ठीक, आगे चलते हैं, आगे हमारा टॉपिक है, हम इसको स्पीड स्टडी दो तरीक़ों से करते हैं, एक हमारा स्पॉट स्पीड स्टडी होता है, दूसरा स्पीड एंड डिले स्टडी। अभी के लेक्चर में हम स्पॉट स्पीड स्टडी पढ़ते हैं। ठीक, इसमें कुछ इसकी कहाँ कहाँ स्पॉट स्पीड आपकी कहाँ कहाँ यूज होती है ये आप बुक्स पढ़ सकते हैं, ज़्यादा क्लियर उसमें अच्छे से लिखा हुआ है, कुछ थ्योरी पढ़ सकते हैं, स्पॉट स्पीड स्टडी में आप पढ़ सकते हैं। दूसरा हमें क्वेश्चन लेते हैं, इस देखो क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा कि इसका यूज क्या है स्पॉट स्पीड स्टडी का। जो अब स्पॉट क्वेश्चन दिया है बुक का है, जस्ट वन खन्ना का ही है ये क्वेश्चन, मैंने उसी को लिखा हुआ है। ठीक, तो स्पॉट सर्टेन हाईवे आर गिवन बिलो, उसमें दिया हुआ स्पीड रेंज नंबर ऑफ व्हीकल, जैसे स्पीड रेंज दिया 0 से 10 के बीच में 12 गाड़ियाँ जाती है, 10 से 20 के बीच में 18, 20 से 30 के बीच में 68, 50 से 60 के बीच में 24, इसी तरीके से पूरा दिया हुआ है। फिर पूछ रहा है फाइंड द अपर एंड लोअर वैल्यू ऑफ स्पीड रेंज। ठीक, अपर एंड लोअर वैल्यू मतलब जो आपकी स्पीड बोर्ड पे लिखे होते हैं, अपर लिमिट नहीं लिखे होते उस तरीके की, उस पर कितने का बोर्ड लगाएंगे कि स्पीड की लिमिट की। दूसरा होता है डिज़ाइन पूछा गया है, डिज़ाइन स्पीड फॉर ज्योमेट्रिक एलिमेंट, जो आप डिज़ाइन के लिए लेते हैं, जैसे अभी पीछे ले लिया था डिज़ाइन स्पीड, तो वो पूछा है कि वो कितना होगा अगर इस तरीके का हमारे पास डेटा है। तो इसको जान करने से पहले हम कुछ चीज़ें जान जाएं कि हमारे अपर स्पीड लिमिट और लोअर स्पीड लिमिट होती क्या है। अपर स्पीड लिमिट क्या होती है, 85% स्पीड, जो दैट इज 85% व्हीकल आर पासेज अंडर दैट स्पीड, 85% के अंदर जितनी व्हीकल की स्पीड होगी उसको हम बोलते हैं अपर स्पीड लिमिट, दैट ओनली 15% व्हीकल एक्सीडेड दैट स्पीड। ठीक, इसी तरीके से लोअर स्पीड लिमिट कितनी होती है, 15% आई, मतलब 15% व्हीकल इसके अंदर आएंगे, बाकी 85% की वैल्यू इससे ज़्यादा होगी। और डिजाइन स्पीड कितनी होती है, डिजाइन स्पीड सेम 98% आई स्पीड को हम लोग बोलते हैं डिजाइन स्पीड, दैट इसका मतलब होता है 98% व्हीकल पासेज अंडर दैट स्पीड, ओनली 2% एक्सीडेड दैट लिमिट, इसको बोलते हम यूज़ करते हैं डिजाइन स्पीड के तरीके। ठीक, इस पर एक ग्राफ प्लॉट होता है जिस पे यहाँ पे आपका क्यूमुलेटिव परसेंटेज इधर होता है, ठीक, और इधर स्पीड होता है, एक्स एक्सिस पे आपका स्पीड, इधर क्यूमुलेटिव परसेंटाइल स्पीड, इस तरीके का ग्राफ प्लॉट होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे अगर 85% जो है आपका
हमने 20, 20, 40, 60, 80, 100 लिया हुआ, तो 85 यहाँ कहीं भी आएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग जो स्पीड आएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, वो हमारी हो जाएगी स्पीड लिमिट। और ऐसे ही हमारा ले लेंगे अगर हम 98% वाली की बात करें तो ये हमारी हो जाएगी डिजाइन स्पीड। सेम हमारा अगर 15 स्पीड तो हमारी लोअर लिमिट की बात हो जाएगी। ठीक, अब हम क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले हमको एक टेबल बनाना होगा। टेबल कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पे हमने टेबल ले लिया, स्पीड रेंज एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक, फ्रीक्वेंसी ये हमने बीच में ले लिया, मिड स्पीड का एक हमने कॉलम ऐड कर दी। मिड स्पीड मतलब 0 से 10 इसका एवरेज ले लिया, 5, 10 से 20 इसका एवरेज ले लिया, 15, 20 से 30 इसका, 25, 30, 40, 35 इसी तरीके का हमने सब में कर दिया। इसका एक टेबल बना लेंगे। फ्रीक्वेंसी आपके क्वेश्चन में दी हुई, फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी गाड़ियाँ इस स्पीड के बीच में, एक क्वेश्चन का ही पार्ट है। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, हम सारे फ्रीक्वेंसी को सबसे पहला काम कर दीजिए ऐड कर दीजिए। पहला काम ऐड करने पर हमने सारा ऐड कर दिया, यहाँ आ जाएगा आपको 850। उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी का परसेंटेज निकाल, मतलब ये 12 व्हीकल कितना परसेंट रखती है 850 में, जहाँ से हमने इस तरीके से निकाल लिया तो 1.41% है। इसी तरीके से 18/850 × 100 करोगे तो 2.12 आ जाएगा, 68/ ऐसे करके हर का हमने इस परसेंटेज फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। ठीक, जब आ जाएगा उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव आपको करना आता है, ये वाला जोड़ के इसको यहाँ पर लिख देना, इसको जोड़ के यहाँ पर लिख देना, इसको जोड़ के यहाँ पर लिख देना, इस तरीके से हम क्यूमुलेटिव निकालते हैं। लास्ट में 100 आएगा, मान लो 100 के आसपास भी कुछ डेटा आ रही तो 100 मान लेंगे उसको। अब अपर स्पीड लिमिट कितनी होती है, 85% आएगा, आपने अभी पीछे पहले पढ़ा 85 कहाँ से किसके किसके बीच में आएगा, क्यूमुलेटिव के बीच में, इन दोनों के बीच में आएगा 85। ठीक, तो 85 मतलब 55 और 65 के बीच में आएगा, तो हमने ऐसे अपने से ले लिया है 60 किलोमीटर पर आवर। आप चाहें तो इंटरपोलेट कर सकते हैं, इंटरपोलेट करके एग्जैक्ट निकाल सकते हैं। इसी तरीके से लोअर स्पीड लिमिट 15% होती है, तो यहाँ पर 15% इन दोनों के बीच में आएगा, मतलब 25 और 35 के बीच में, इन दोनों के बीच में जब आएगा तो वहाँ पर हम निकाल सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर। इसी तरीके से डिजाइन स्पीड आपकी 98% स्पीड, मतलब 98% हम निकाल लेंगे, 98 कहाँ होगा, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में मतलब 75 और 85 के बीच में, मतलब हमने यहाँ पे 84 किलोमीटर पर आवर ले लिया। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे।